नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय बाद माता का आगमन होने वाला है और मैं कामना करती हूँ कि हमारे देश की सारी माताएं, सारी बहनें, सारी कन्या और जो एक देवी का रूप है वो सुरक्षित रहें। इस देवी का सम्मान सिर्फ 9 दिनों तक ना होकर हमारे पूरे जीवन में होता रहे, हर समाज में, हर वर्ग में, हर जाति में, तभी हमारा देश एक उन्नतशील देश बनेगा। इसी कामना के साथ मैं एक बहुत ही अच्छी पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक प्रमुख पंक्ति के अनुसार ये कहा गया है कि जो कठिन समय होता है उसको गुजारने के लिए दो रास्ते अपनाए जाते हैं। एक रास्ता तो उस कठिन समय से बचने का, जिसमें हम अनेकों अनेक बहाने ढूंढ लेते हैं, और एक रास्ता उस कठिन समय को चुनौतीपूर्ण स्वीकार करने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कोरोना काल काफी लंबे समय से हमारे सिर पर विराजमान है। इसके खौफ के तले हम लोग काफी समय घर में व्यतीत कर चुके हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप, अपनी ऑनलाइन क्लासेस, अपने बच्चों के साथ जो एक ज्ञान का प्रवाह है, उसके अलावा भी जो वक्त बच जाता था, उसमें विचार आया कि क्या किया जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, घर में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, तो मैंने एक कोशिश करी कि इस वेस्ट मटेरियल को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि इसी कार्य को हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध चैनल के द्वारा सराहा गया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि न्यूज़ 18 के थ्रू जो मेरा कार्य है उसका प्रसारण किया गया, और इसके जो आपको फुटेज हैं वो बहुत ही जल्दी अवेलेबल कराऊंगी। आपका प्रोत्साहन, साथ ही साथ जो मीडिया से मुझे प्रोत्साहन मिला, इसने मुझे और मेरी कार्यशैली को बहुत ज़्यादा स्पीड दी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ एक मुहिम हम सभी शुरू करें अपने वातावरण में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइज करने की, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोने की, प्लास्टिक को एनवायरनमेंट से ज़्यादा हटाने की, उसको रीयूज करने की, उसको रिसाइकिल करने की। और दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि मैं अपनी एक छोटी सी उपलब्धि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और आप प्लीज़ इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपको उस इंटरव्यू की कुछ फुटेज प्रेषित करूंगी या आपको वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगी। आपका ये प्रोत्साहन, आपका ये साथ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरा प्रोत्साहन करते हैं, और स्पेशली थैंक्स छोटे छोटे बच्चों को, उनके माता पिता को, जो हर पल मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। और हम एक भारत देश के, जो हमारा बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ देश है, उसको हम अपने अपने कर्तव्यों के द्वारा महानता की उच्च कोटि, एक शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आपको जो छोटे छोटा मेरा एक प्रयास है उसकी कुछ फोटोज शेयर करूंगी, और आप प्लीज़ इंतज़ार करिए और अपने कमेंट्स से मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मैं अगली वीडियो में भेजने वाली हूँ कुछ बहुत ही अच्छी जो यादगार पल हैं उनकी एक सामूहिक जो चेन है उसको मैं आपको बनाकर भेजूंगी। थैंक यू दोस्तों, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ये फॉरेस्टेशन या प्लांटेशन का प्रोग्राम है इसको, और जो प्लास्टिक का एक सदुपयोग है, प्लास्टिक को कम करने के लिए जो हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उस मुहिम में आप भी मेरे साथ बढ़िए।
और अपने खाली वक्त को किसी भी किसी क्रिएटिविटी के साथ आप व्यतीत करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय माता दी।